नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरी सिंह और आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैंने इससे पहले इस चैनल के ऊपर कई वीडियो अपलोड किए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, रेन गन के बारे में। आज दोस्तों हम एक नए सिंचाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसको रेन पाइप कहते हैं। तो आज मैं रेन पाइप के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि रेन पाइप का खर्चा कितना आता है एकड़ का, इसको कैसे लगाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, किन किन फसलों में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस समय रेन पाइप है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी ही नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। सो दोस्तों, मेरे हाथ में इस समय रेन पाइप है। सबसे पहले हम लोग रेन पाइप को लेआउट कर लेते हैं, रेन पाइप को बिछा लेते हैं खेत में। ऐसे दोस्तों आपने रेन पाइप को लेआउट कर लेना और ये हमने यहाँ पे एक इंची का पॉइंट निकाला हुआ है। इस एक इंची के पॉइंट ऐसे आपने इसको कस देना है। सो दोस्तों, अभी हमने रेन पाइप को लेआउट कर लिया है, अब मैं आपको रेन पाइप को चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों रेन पाइप की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। रेन पाइप 2 साइज में आ जाती है, 32 mm और 40 mm। जो 32 mm का साइज होता है रेन पाइप का, उसको आपने खेत की लंबाई रखनी है 40 मीटर से 45 मीटर एक तरफ। जो 40 mm होती है उसको आप 60 मीटर 65 मीटर तक लेके जा सकते हैं। एज़ पर टेक्निकली तो वो 55 मीटर होता है, बट आप लोग 60 से 65 मीटर उसको लेआउट कर सकते हैं। उसका कारण ये है मेरा बताने का कि जो दोस्तों हमारे खेत होते हैं उनकी जो लंबाई होती है एक तरफ को 200 फुट होती है, तो हम लोगों ने जो PVC पाइप डालनी है या जो मेन लाइन डालनी है वो हम लोग एक तरफ डाल लेंगे, वहाँ से पॉइंट निकाल के एक किल्ला पूरा लंबा उसको भी लेआउट कर देंगे। अब दोस्तों ये तो होगी इसकी लंबाई की बात, एक रेन पाइप से दूसरी रेन पाइप की दूरी कितनी रखनी है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों जो एक पाइप से दूसरी पाइप की दूरी हमने रखनी है वो रखनी है 6 मीटर। अगर 6 मीटर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक एकड़ में 10 लाइन्स आ जाएंगी। उन 10 लाइनों को हमने 6-6 मीटर के ऊपर रखना है। एक रेन पाइप एक तरफ को 10 से लेकर 12 फीट तक पानी देगी। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्चार्ज की। दोस्तों जो रेन पाइप का डिस्चार्ज होता है वो पर मीटर के हिसाब से होता है। जैसे हमने रेल 60 मीटर लंबी एक खेत में बिछा दी है तो उसका जो 1 मीटर होगा, 1 मीटर में 150 से लेकर 170 लीटर प्रति घंटा पानी निकलेगा। अगर 150 लीटर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक एकड़ में जो रेन पाइप है वो तकरीबन 600 मीटर लग जाएगी। औसत उसकी आएगी 600 मीटर। अब 600 मीटर गुना 150 लीटर करेंगे तो ये 90,000 लीटर प्रति घंटा हो गया पानी। तो ये रेन पाइप है, रेन पाइप चलती है लो KG प्रेशर के ऊपर। स्प्रिंकलर को चलने के लिए प्रेशर चाहिए होता है, रेन पाइप 0.7 kg प्रेशर के ऊपर ऑपरेट हो जाती है। अब इसमें जो हमारी मोटर का डिस्चार्ज होगा उसको हम लोग 80 से लेकर 90% तक यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आ जाती है कि सिस्टम को चलाना कितना टाइम चाहिए। किसी भी इरीगेशन सिस्टम को, स्प्रिंकलर को, ड्रिप को या रेन पाइप को चलाना डिपेंड करता है कि हमने क्रॉप क्या लगा रखी है। जो भी हमारी क्रॉप होगी उसके हिसाब से चलाना है। इसका मैं कंपेरिजन आपको मिनी स्प्रिंकलर के साथ करके बता देता हूँ। अगर मिनी स्प्रिंकलर हम लोग 1 घंटा 1 एकड़ में चला रहे हैं तो उसमें 20,000 लीटर पानी आता है। अगर रेन पाइप को 1 घंटा 1 एकड़ में चलाएंगे तो इसमें 80,000 से लेकर 90,000 लीटर पानी प्रति घंटा आएगा। मतलब कि अगर हम 1 घंटा मिनी स्प्रिंकलर चला रहे हैं उसकी जगह अगर हमने रेन पाइप लगा रखी है तो रेन पाइप हमें सिर्फ 15 मिनट चलाने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रेन पाइप का। अगर रेन पाइप की लाइफ की बात करूँ कि रेन पाइप की एवरेज लाइफ कितनी है, सिस्टम कितने साल चलेगा, तो दोस्तों अभी ये प्रोडक्ट नया है, इसकी पूरी ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं चल पाया है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये सिस्टम को अगर हम अच्छे से संभाल के यूज़ करेंगे तो 3 से लेकर 5 साल ये आराम से निकाल देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेन पाइप को किन फसलों में यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि रेन पाइप पानी निकाल रही है उसका एंगल ये होता है, इस एंगल से ऐसे पानी निकलता है। फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रेन पाइप को लगाने का, जो भी 2 से 2.5 फीट तक की फसलें हैं उनमें तो आप आराम से रेन पाइप को यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पर खर्चा कितना आता है। जो दोस्तों रेन पाइप होती है, रेन पाइप का जो औसत खर्चा आएगा प्रति एकड़ वो आएगा 25,000 से लेकर 30,000 रुपया। ये पर एकड़ के हिसाब से इसका रेन पाइप का खर्चा आएगा। और इस सिस्टम का डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इरीगेशन लाइन में पिछले 8-10 सालों से, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा है, अच्छी तरह समझा है और इसका बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं।
दोस्तों रेन पाइप के बारे में आपका कोई भी सवाल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जितने भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख पाएँ उनको रेन पाइप के बारे में सही नॉलेज मिल पाए कि रेन पाइप को कैसे लगाना है, कितनी दूरी तक लगाना है, कितना खर्चा आएगा, किस फसल में यूज़ करना है, कितना इसका डिस्चार्ज है प्रति घंटा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।